सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है ताडा तुहाडे अपने इस चैनल टेक्निकल फूडी दे। दोस्तों जिवें कि तुहानू पता है कि अजकल जो असीं अपना सेवा केंद्र जा रहे हैं सानू उत्थे डायरैक्टली डील नहीं किया जा रहा, सानू अपॉइंटमेंट लैके जाना पैंदा हैगा, उस तो बाद ही सानू जिहड़ा है उत्थे डील किया जाता है। ये बहुत वधिया स्टैप जिहड़ा है लिता गया है सरकार वल्लों। तो इस विच की है कि तुहानू पहला अपॉइंटमेंट लैनी पएगी, तुहानू एक स्लॉट अलॉट हो जाएगी, उस स्लॉट के जो तुम जाओगे दैन तुहाडा उत्थे आराम दे नाल जिहड़ा काम है वो विदिन टाइम पीरियड हो जाएगा। यानी कि अगर घंटे के पांच बंदे स्लॉट अलॉट हुई है तो वो पांच बंदे ही उस घंटे के उत्थे जाके अपना काम करवाएंगे, अदरवाइज बाकी जने अगर उत्थे जाएंगे उन्होंने डील नहीं किया जाएगा। सो इस तरीके दे नाल जिहड़ी है भीड़ के उत्ते भी कंट्रोल रहिंदा है, ज़्यादा तो ज़्यादा बंदे जिहड़े आ उत्थे नहीं आएंगे, लिमिटेड जिहड़ी हैगे है उस है जिहड़े बंदे वही उत्थे आएंगे तो अपना जिहड़ा काम है वह करवा सकेंगे। सो असीं इस स्टैप नूं बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ही वधिया आपां कहांगे इस स्टैप जिहड़ा है डिपार्टमेंट वल्लों लिया गया है, सरकार वल्लों लिया गया है। सो अज असीं देखांगे अपनी इस वीडियो दे विच अगर आपां सेवा केंद्र जाके अपना काम करना हैगा है, कोई जिहड़ा एफिडेविट बनवाना है, कोई असीं अपनी रजिस्ट्री करवानी है, कोई किसी दी फर्दर निकलवानी है, सो वो किवें हो सकता है, ये वक्रे वक्रे तरीके के काम किवें हो सकते हैं। उस वे अपॉइंटमेंट लैन लई आपां सब तो पहला की करना है, साइट खोलनी है esewa.punjab.gov.in। मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो ये साइट आपां ओपन करनी हैगी, पहला एक बार जिहड़ा है वड्डी स्क्रीन पर भी करके दिखा दिना। ये वो लिंक है जिहड़ा असीं ओपन करना है, दिखा रहा esewa.punjab.gov.in। यह लिंक असी ओपन करना है, ये लिंक ओपन करने के बाद साढ़े को जी वैबसाइट है वो ओपन हो सकती हो जाएगी। मैं तुम दिखा देना, लो ये वो लिंक है जोड़ा ओपन करना है esewa.punjab.gov.in। अगर तुम https अगर लगा लो दैन काफ़ी चलेगा ही साइट, अगर नहीं लगा रहे तो भी यह साइट जी ओपन हो जाएगी। सो यह साइट जब ओपन होएगी तो को कुछ इस तरीके की साइट जिदा तुम मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो इस तरह की ओपन हो जाएगी। हूँ इस आपको की करना है, नीचे स्क्रोल करना है, स्क्रोल एंड तक जाना है। एंड तक जाने के बाद इतने देखोगे तीन बटन लगे हुए होंगे, सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन का, ट्रैक स्टेटस का, तो सेवा केंद्र अपॉइंटमेंट बुकिंग का। सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन का जो बटन है इनके देखोगे यू कैन रिव्यू एंड वेरीफाई योर सर्टिफिकेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईयर एप्लीकेशन, अपना सर्टिफिकेट का जो देख सकते हो ट्रैक कर सकते हो स्टेटस किस लैवल पर पेंडिंग है, अगर जो अपना सर्टिफिकेट जो वर्क है जो सेवा केंद्र जमा कराया वो कितने पेंडिंग है वो देख सकते हो, और सेवा केंद्र अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग है अपनी स्लॉट बुक करनी। सो अभी स्लॉट बुक करना देखना है, इसलिए आप सेवा केंद्र अपॉइंटमेंट बुकिंग उत्ते जावे तो क्लिक करेंगे इस लिंक के उत्ते। तो जिस तरह ही असं इस लिंक से क्लिक करा साढ़े को इस तरह का पेज जो है ओपन हो जाएगा। इस सब तो पहला उपर देखो नोट दिता गया है कि अगर तुम आधार कार्ड रिलेटिड सर्विस लेना चाहते हो तो इतने लिंक दिता गया है, इस लिंक के उत्ते क्लिक करके आधार कार्ड रिलेटिड जड़िया ने सर्विसिज लै सकते हो। सो इतने असी जो है अपना नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, जिला भरना है, और स्लॉट का डेट भरनी है जिस स्लॉट अपन चाहिए हैगी है। इतने एक जरूरी सूचना भी दी गई है कोविड के मद्देनजर कुछ जिला प्रशासन वालों सेवा केंद्र सभी तब्दीली कर दी गई है, इसलिए अपने नज़दीकी सेवा केंद्र सेवावान पहुँचन तो पहला बुकिंग करने तो पहला हेठ लिखे नंबर से संपर्क करो। सेवा केंद्र बंद होने की सूरत में उस दिन की बुकिंग जी है रद्द कर दी जाएगी। सो ये नोट का जरूर ध्यान रखना। उस तो बाद चलो आप एक बार जी है भर के देख लें फॉर्म। मैं खैर फॉर्म को सबमिट नहीं करा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी जरूरी बंदे का जो स्लॉट है मेरे करके जी है वो बुक हो जाए। सो असी सिर्फ सिर्फ इन डाटा भर के दिखावे इसनों सबमिट नहीं करा। सो आओ दोस्तों एक बार टेस्ट करके देख लें, इतने मैं अपना इतने जो भी नाम भरना होना हों भरना है इतने लाइक आप ए बी सी भर दें होंगे। ये मैं थोड़ा पहला दसदा कि ये डाटा सबमिट नहीं करा, ये सिर्फ और सिर्फ तुहानू दिखाने लई है, ये डेमो परपज़ होएगा, इस डाटे को जो असं सबमिट नहीं करना। इस तो बाद असी अपना मोबाइल नंबर भरना है, जो असी भर लवेंगे अपना मोबाइल नंबर, उस तो बाद असी इतों की अपना जोड़ा जिला है वो चूज करना है। जिला चूज़ करने के बाद असी डेट चूज कर लेनी है जिस डेट की सानू अपॉइंटमेंट चाहिए हैगी है वो डेट चूज कर लेनी है। डेट चूज करने के बाद नीचे जी है स्लॉट लिस्ट बनी हुई आ जाएगी सेवा केंद्र की और स्लॉट की। सो इस सेवा केंद्र जेड़े भी सेवा केंद्र अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं
उस सेवा केंद्र को इस लिस्ट के चूज़ करना है। ध्यान देख लेना उस सेवा केंद्र का नाम इतने होगा, तो सेवा केंद्र कॉरसपोंडिंग नाम इतने होगा, उस सेवा केंद्र को इतों की चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद इतने देखो हम तेरे को इतने सल जो है नाम नीचे आ गया और इतने स्लॉट चूज़ करनी है किस टाइम दौरान तुम उत्थे जाना चाहते हो। सवेरे 9 बजे तो लैके शाम के 4 बजे तक जो है सेवा केंद्र की स्लॉट बुकिंग होंगी हैगी है। सो टाइम स्लॉट चैक करने के बाद तुम इतने नीचे जी है अवेलेबिलिटी और अवेलेबल इतने दिखाएगा, यानी कि इतने 35 बंदियों की अवेलेबिलिटी है 9 to 10 के बीच, तो उस 10 जिहड़ियां स्लॉटां ने अवेलेबल ने, यानी कि उस तो पहला 25 स्लॉट जिहड़ियां ने बुक हो चुकी ने ऑलरेडी। सो इस तरीके दे नाल 1 by 1 जिहड़ी स्लॉट की बुकिंग वो होंगी हैगी है। सो बुक करन तो पहला तुसीं इत्थे आई एम नॉट रोबोट दे उत्ते क्लिक करना है। जिदा ही तुसीं इत्थे क्लिक करोगे इत्थे एक टिक मार्क आ जाएगा, अगर ये वेरीफिकेशन करने लई कैप्चा करता है तो तुसीं वो वेरीफाई करना है। सो उस तो बाद असीं बुक नाउ दे उत्ते क्लिक करना है। बुक नाउ दे क्लिक करने के बाद की है, सानू एक जिहड़ा है स्लॉट जी है वो अलॉट होने पहला एक OTP साढ़े नंबर पर आएगा। सो वो OTP भरन के बाद ही साड़ी स्लॉट जी है लॉक होएगी, अदरवाइज स्लॉट साड़ी लॉक नहीं होएगी। जरूर ध्यान रखियो दोस्तों कि बिना OTP भरे ताड़ी स्लॉट जी है वो लॉक नहीं होएगी। सो इस तरीके दे नाल असी इतों कन्फर्म करना कि हाँ जी असी यही स्लॉट बुक करना चाह रहे हैं। जिदा ही असी यस करा साढ़े नंबर के उत्ते जड़ा है एक OTP आएगा। हुण जिहड़ा OTP है जदों तक असीं वह OTP इत्थे नहीं भरदे साडी जिहड़ी स्लॉट है वह बुक नहीं होएगी। ऑल्दो इन्होंने इत्थे सानूं मैसेज शो किया है स्लॉट लॉक, वो इसलिए किया है कि टैंपरेली लॉक हो चुकी है, तुसीं स्लॉट जिहड़ी अपनी बुक कर सकते हो, पर असीं इस स्लॉट नूं जिहड़ा है जदों तक OTP नहीं भरांगे सानूं स्लॉट जिहड़ी है स्लॉट नहीं मिलेगी, साडी अपॉइंटमेंट जिहड़ी फिक्स नहीं होएगी। सो जिदा ही मेरे नंबर से जिहड़ा OTP आएगा मैं इत्थे भरांगा, वेरीफाई OTP करांगा तो मेरी जिहड़ी स्लॉट है वह बुक हो जाएगी। सो दोस्तों मैं तुम्हें दिखा दिना है जी मैं अपनी परसनल काम लिए जी स्लॉट बुक की उसकी मैं तुम्हें एक करी दिखा भी दिना है। इतने जिम्मे मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो ये मेरी परसनल स्लॉट मैं बुक की थी, मेरा अपना काम से जो मैं बुक करवाई सी। सो दोस्तों इस तरीके दे नाल कुछ तुम्हें स्क्रीन के उत्ते मैसेज आएगा, जो ये मैसेज आ गया दैट मीनस तुहाडी स्लॉट जी है बुक हो चुकी होएगी। इस तरीके दे नाल दोस्तों असीं अपना सेवा केंद्र की स्लॉट जी है बुक कर सकते हैं। मैं तुहानू अगेन दसदा ये डाटा सिर्फ असी डेमो परपज लई भरिया, असी इस विच स्लॉट बुक नहीं की है। अगर स्लॉट तुसी बुक कर लूँगे दैन ये हो सकता है अगर नहीं जाते तो किसी लोड़वंद की जी हैगी है स्लॉट बुक हो जाए और वो लोड़वंद जो काम है वो ना हो पाए। सो स्लॉट बुक करने तो पहला ये ध्यान रखना कि तुहाडे कोल तुहाडे डॉक्यूमेंट पूरे होन और जाके तुसी जिहड़ा काम करवाना हैगा है उसके रिगार्डिंग तुहाडी सारी सारी डिटेल तुहाडे कोल अवेलेबल होए ताजो तुहाडी बुक कीती गई स्लॉट जी है वो कम आ सके। सो मैं उम्मीद करांगा दोस्तों तुहानू पता लग गया होगा कि सेवा केंद्र लई जिहड़ी स्लॉट बुकिंग है वो किवें करनी हैगी है। अगर तुहानू साडी ये वीडियो पसंद आई है साडे चैनल नू सबसक्राइब करना ना भूलो। सबसक्राइब करने लई वीडियो दे नीचे दिए गए रैड कलर दे बटन ते क्लिक करो, नाल दिता गया घंटी दा बटन जरूर दबाओ। घंटी दे बटन ते क्लिक करन दे नाल तुहानू साडियां जिहड़ियां वीडियो ने सब तो पहला देखण नू मिलणगियां। मैं उम्मीद करांगा दोस्तों तुसीं सबसक्राइब जरूर करोगे साडे चैनल नू, मिलते हैं इसी तरीके नैक्सट वीडियो।